शनिवार को भाजपा ने विष्णु दत्त शर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चाएं थी, लेकिन भाजपा ने आज इस पर विराम लगा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विष्णु दत्त शर्मा मुरैना जिले के सुरजनपुर गाँव के रहने वाले हैं। विष्णु दत्त शर्मा पहले खजुराहो से सांसद है, साथ ही वो मध्य प्रदेश भाजपा में प्रदेश महामंत्री का पद भी संभाल रहे थे। जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1986 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। उसके बाद वे एबीवीपी से साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के दौरान उन्होंने पार्टी में कई पदों पर रहते हुए युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया। बता दें कि विष्णु दत्त शर्मा साल 2014 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में 6 लोकसभा सीटों के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली, बिहार और असम में हुए विधानसभा चुनाव कार्यों का संचालन भी किया है। साल 2016 में विष्णु दत्त शर्मा मध्य प्रदेश में पहली बार प्रदेश महामंत्री बनाए गए थे। खास बात यह है कि विष्णु दत्त शर्मा जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, तब उन्होंने शिक्षा जगत में फैले व्यापारीकरण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। इस अभियान के चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी और सभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रों का साथ दिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश के डीमेट कॉलेजों में परीक्षा में गरीब छात्रों को सम्मान दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन किया था और सुप्रीम कोर्ट से 50% सीटें मेरिट के लिए आरक्षित हुईं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।